बसपा के वरिष्ठ नेता लोकसभा एवं विधायक का चुनाव लड़ चुके एवं बसपा में महत्वपूर्ण पदों पर रहे लाखन सिंह सैनी ने आज बसपा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण करी और जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और इसी का परिणाम है कि आज सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फूल की माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि समाजवादी परिवार में आज सभी सैनी समाज के लोगों का स्वागत करती है। समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि आज के समय में जो समाजवादी में है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं वही असली समाजवाद के लोग हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे देहात प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी, मुदस्सिर खान, करण सिंह सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष सोनी समाज रमेश कुमार सैनी, धर्म सिंह सैनी, वेद प्रकाश सैनी, डॉक्टर अशोक सैनी, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राम सिंह सैनी, जगदीश सैनी, हरपाल सिंह, लाखन सिंह सैनी, संजीव सैनी, राजीव कुमार सैनी, विशाल सैनी, हरिओम सिंह सैनी भारी तादाद में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। उपस्थित सभी सम्मानित एमपी साहब, संभावित विधायक प्रत्याशी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे भाई श्री सिद्धार्थ जी जो पूरे प्रदेश को और खास करके मुरादा रामपुर को प्रभार में अपने कार्य देख रहे हैं और सभी उपस्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के मेरे साथियों और उपस्थित सभी मेरे स्वजातीय बंधुओं और मेरे सहयोगी साथियों सभी को मेरा नमस्कार आदाब। साथियों, मैंने बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति शुरू की थी और लगभग 28 वर्ष तक मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैं विधानसभा चुनाव बिलारी लड़ा। मेरे और समाजवादी प्रत्याशी मरहूम इरफान साहब के बीच जो चुनाव था वो टाई हुआ और पोस्टल बैलेट पेपर पर मुझे 694 वोटों से पराजित घोषित किया गया। साथियों, वो 2012 का समय था। उसके बाद 2012 में ही मुझ दिन मैंने लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार जनसंपर्क बनाए रखा, किन्हीं कारणवश वो टिकट मेरा हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में मुझे महापौर मुरादाबाद का प्रत्याशी घोषित किया गया जिसमें मैंने 33,000 वोट प्राप्त किए। साथियों, मेरा शिकायत शिकवा किसी से भी नहीं है क्योंकि मैं सक्रिय सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं और हमेशा मैं भाईचारा कायम करने के लिए इस राजनीति में आया हूं और मेरा एक ही उद्देश्य और एक ही मेरा विचार रहता है कि सब लोग संपन्न रहें। आज मैंने समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन की है तो मुझे माननीय अखिलेश जी के कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मेरे दिल को चुभ गए और उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और दलितों के लिए जो विचार अपने व्यक्त किए और रखे हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित होकर के आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और साथियों, समाजवादी देखिए, आज समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में एक बहुत खूबसूरत फूल का इजाफा हुआ है और आज समाजवादी पार्टी देश में जिस तरह से हिंदुस्तान को एक रंग बिरंगी गुलदस्ते की तरह सोचा जाता है तमाम दुनिया में, समाजवादी पार्टी उन्हीं उसूलों पे आगे चलती हुई सब धर्मों का, सब जातियों का, अति पिछड़ों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का साथ लेते हुए चुनाव के मैदान में है और लोग जिस तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है और वो सरकारें जिन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करी, लोगों को ठगा, जिनको ना रोजगार से कोई मतलब था, ना किसान से कोई मतलब था, ना मजदूर से कोई मतलब था, ना कारोबार से किसी को कोई मतलब था, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते थे, अब उनका पतन होने जा रहा है और समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो भाजपा ही एक समाप्ति पार्टी है और ये हम आपको 10
मार्च को दिखा देंगे कि इनके सारे अजाइम ख़त्म हो जाएंगे और देश के अंदर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर प्यार मोहब्बत का, सांप्रदायिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का, विकास का और तमाम ही एजेंडे बुलंद होंगे और सब लोग यहाँ पर खुशहाल प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी जिएंगे। डॉक्टर साहब, 14 तारीख को वोटिंग होनी है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, वोटर्स की अपील तो हम यही सबसे करेंगे, नेचुरल है कि हमारी पार्टी को वोट दें, लेकिन हम जो देख रहे हैं हमसे ज़्यादा तैयार जनता बैठी है। आपने देखा है कि दूसरी पार्टी के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इन झूठों के मक्कारों को सर समाज ने समझ लिया है, तो वोट की अपील सारी समाज से मैं करना चाहूँगा जिस तरह से वो दे रहे हैं, और ख़ास तौर से इलेक्शन में पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ये मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, कहीं ना कहीं आपको पोलिंग करने में भी कुछ लोग परेशान करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको परेशानी हो आप हमें पुकारें और हम आपके सामने खड़े होंगे, आपकी सारी परेशानी को दूर